नेशन न्यूज में हूँ आपके साथ कुमार। और देखिए आज चिराग पासवान जो कि जम्मू के सांसद है और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो आज बांका की ओर चल पड़े हैं। और आपको बता दें कि चांदन में जिस तरह से एक बेटी के साथ जो घटना हुई है, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, इसको लेकर मामला जो है वो बिहार में काफ़ी क्रिटिकल हो गया है। तमाम जो राजनीतिक दल है वो सरगर्मी बढ़ाते नजर आ रहे हैं, लगातार बयानबाजी हो रही है। इस बीच जम्मू के सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बांका की ओर चल पड़े हैं। आपको बता दें कि इस दौरान झाझा प्रखंड क्षेत्र के कर्पूरी चौक पर कार्यकर्ताओं ने, लोजपा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार सरकार के सारे दावे और सारे जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जितने भी वो सवाल कहते आ रहे हैं, बयानबाजी होती नज़र आ रही है। सीएम जो कहते हैं कि बेटियों के लिए लगातार हम पहल करते हैं, बेटियों के लिए लगातार सरकार जो है वो नई नई नीतियाँ अपनाती है, कानून व्यवस्था जो है वो लगातार कहीं ना कहीं बिहार में विकसित होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हालात में पहुँच चुका है, सीएम नीतीश के सारे दावे फेल है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप वो सुने। बांका जा रहे हैं, बांका में जिस तरीके से कुछ दिनों पहले एक छोटी सी बच्ची के साथ जिस तरीके से शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया और बच्ची की हत्या कर दी गई, और उसके बाद दुख इस बात का कि अभी तक बच्ची के पिता वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के सामने वो जाकर दिन भर धरने पर बैठे रहे, पर एक मिनट के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने उनसे मिलना ज़रूरी नहीं समझा। उनके साथ योगिता जी थी जो कि एक समाज सेविका रही हैं, जिन्होंने निर्भया कांड में भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी, परिवार को इंसाफ दिलाने में, दोषियों को सज़ा दिलवाने में। उनके साथ भी जिस तरीके से बदसलूकी की गई, मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भैया महिलाओं के लिए हम काम करते हैं, महिलाओं के लिए हम ये करते हैं वो करते हैं, पर उन्हीं के घर के सामने जिस तरीके से एक महिला को बेइज्जत किया गया, वो भी जब एक बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए वहाँ पर गई हैं, उनको बार बार अधिकारी कहते सुना जा रहा है तुम महिला हो, महिला की तरह बर्ताव करो, महिला हो, महिला महिला कह कह के उसको जिस तरीके से उनको अपमानित करने का काम किया गया। तो बहरहाल आज मैं वहीं जा रहा हूँ बांका उनके पिताजी। फेल होना तो बहुत छोटा शब्द है, एकदम धराशाही हो चुका है ये स्ट्रक्चर लॉ एंड ऑर्डर का बिहार। और दुख की बात है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनके रहते हुए ये विभाग, कानून विभाग उन्हीं के अंतर्गत आता है ना, पर ऐसा लगता है कि भैया शराबबंदी के अलावा तो प्रदेश में कोई कानून ही नहीं, सिर्फ हत्याएं होती जाएंगी, कोई पकड़ा नहीं जाएगा, लूटमार, डकैती, अपहरण, बलात्कार सब होता रहेगा, पर मुख्यमंत्री बात करेंगे शराबबंदी की। तीन तीन चार चार बार संशोधन करके वो स्वयं दिखा रहे हैं कि भैया शराबबंदी कानून कितना विफल है, धरातल पर नहीं उतर पा रहा, पर बाकी के जो अपराध हो रहे हैं उस पर अंकुश लगाने में ये सरकार, मुख्यमंत्री पूरी तरीके से विफल। चिराग जी, बेटियों को लेकर भी मुख्यमंत्री लगातार कहा करते हैं कि हम बेटियों को लेकर सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन बिहार के जो बिगड़ते हालात हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं बेटियों को लेकर। बिल्कुल बयां कर रहे हैं, देखिए ईमानदारी की बात है, मुख्यमंत्री जी के पास अब कोई विजन बचा नहीं है। बिहार के विकास को लेकर, विभिन्न वर्गों के विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर एक विजन इनसे पूछ लीजिए ना, सात निश्चय के अलावा ये कोई बात नहीं करते। नली गली बनाने से बिहार का विकास होगा क्या? नल जल योजना से बिहार का विकास होगा क्या? भाई जब तक आप आईटी जॉब, आईटी सेक्टर, यहाँ पे एजुकेशनल हब, बेटर हेल्थ फैसिलिटी की आप बात नहीं करेंगे, आप बिहार में विकास की बात आप कैसे करेंगे? ये झूठे वादे करके सरकार में तो आ गए, 19 लाख रोजगार देंगे, 19 आदमियों को भी ये रोजगार दे पाए हैं जब से सरकार में आए हैं, तो इनके पास विजन नहीं है, नीति अब इनके पास बिहार के विकास के लिए बची नहीं है, मात्र अपनी कुर्सी के लिए अब ये राजनीति कर रहे हैं। इनके ऊपर डर है इनको इस बात का, भैया सृजन घोटाले हैं, सात निश्चय की भी अगर जांच होगी तो बिहार के इतिहास के सबसे भ्रष्ट, सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना के तहत सात निश्चय का नाम आएगा। तो अब ये सिर्फ एक संवैधानिक पद की तलाश कर रहे हैं ताकि इनके बाद ये जो इनकी कठिनाइयाँ बढ़ने वाली हैं, जांच होगी, दोषी करार दिए जाएंगे, तो जो कठिनाइयां बढ़ने वाली हैं उससे ये बचना चाहिए। दो ड्रीम प्रोजेक्ट है सर, यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज और केंद्रीय विद्यालय, वो धीमी गति से चल रहा है सर। भाई धीमी गति से चल रहा है, दोनों के पीछे कारण रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय में आप जानते हैं जिस तरीके से ज़मीन को लेकर तमाम तरीके की अड़चनें सामने आई, उसके बाद बहरहाल संतुष्टि इस बात की है कि निर्माण शुरू हो गया, जैसा मैंने पिछली बार कहा था, अपने रहते हुए उसको ज़रूर पूरा कराऊंगा। फुट ओवर ब्रिज में टेक्निकल
कई फॉल्ट्स हुई हैं और वो विभाग की तरफ से उसमें जानकारी जो मेरे पास आई है, पर उसको भी सुधार कर मुझे लगता है बहुत जल्द उस पर भी मैं प्रयासरत हूँ।